अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे, और मेरी दुआ है मेरे देखने वाले जहाँ रहें हमेशा खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें और मुस्कुराते रहें। मॉर्निंग का टाइम है, रात को बहुत तेज बारिश आई है, इतनी तेज बारिश आई है कि मेरी छतों के ना दरमियान से पानी निकलता रहा है, वो देखो। और मुझे पहले तो फिक्र थी सिर्फ सीलिंग की, अब फिक्र हो गई इस अलमारी की, क्योंकि ये होता है फार्मिंग का, यहाँ पानी गिरा है और अब ये ना ख़राब हो जाए। तो अल्लाह पाक मेरे हस्बैंड को शिफा अता करे ताकि जल्द से जल्द ठीक हों और ये छतों का काम जाना वो कम करवा सके। आटा हमारा कल आया तो मेरी देवरानी जिठानी माशा वो बेचारी उनका बाजू जो है ना वो भी इस तरह करी, एक हाथ से मैं यहाँ डालती रहती हूँ। मैंने को बनाना नाश्ता, कुरान पाक बच्चों को पढ़ा कर आ गई, नमाज भी हमने सुबह की पढ़ ली है। तो अब हम इसका जूस निकालेंगे, फ्रेश जूस, क्योंकि डॉक्टर ने कहा कि थोड़ा हो। डॉक्टर है कि मेरी बड़ी बहन जो है ना वो हमारी डॉक्टर भी है और बहन भी है, उसने भी मुझे कहा, खैर डॉक्टर ने भी कहा कि फ्रेश जूस दें। उसने मुझे कहा कि आप जो है ना फ्रूट जूस उसमें दूध में ना डाल कर दो, वो तो इन्होंने वो करना नहीं, और फ्रूट ये इतने खा नहीं सकते, मेन ये होगा कि आप ना इसका जूस निकाल कर दो। जल्दी जल्दी इसका जूस निकालते हैं। और यहाँ जूस जो है ना वो बन चुका है, शेप का क्यूब्स दो डालते हैं। आटा जो है ना हमने इसके अंदर डाल लिया है, कुछ पड़ा हुआ है वो उसामा इनाम ने अट्टा तरफ था। आटा जो है किचन में नीचे पड़ा रहा और मुझे भी ख्याल नहीं आया कि पीढ़ी पर रख देती तो वो सारा हो गया गीला। ट्रांसफर कर दो आटा, ठीक है ना, कर रहा है क्योंकि नीचे बारिश आई है ना, सारा गीला हो गया। आटा ट्रांसफर किया जा रहा है, बच्चे जो है ना वो नाश्ता कर रहे हैं, स्कूल लगने वाला है इनका, ये देखिए आंटी वो दे तैयारियां व्यारियां करके अब जा रहे हैं जी स्कूल। ये चार जाते होते हैं, सालिया के जो है एग्जाम्स चल रहे हैं, तो उमना भी जो है ना हमारी आजकल लाडो बनी हुई है बहुत ज्यादा, उसकी कजन आई हुई है वो उसको उठाकर बाहर तक छोड़ने आई है ना। बच्चे चले गए हैं स्कूल और अब मेहमानों को नाश्ता दे रहे, सबको खिला पिला कर आज जो है ना दो छुट्टियों के बाद मैंने भी जाना है पढ़ाने। सो नाश्ता सबने कर लिया और घर का जो है ना वो बहुत ही बुरा हाल हुआ है, क्योंकि रात इतनी तेज आंधी तूफान बारिश बिजली की कड़क और इतना था कि बस आपको बता नहीं सकते हैं। तो बस मैंने नाश्ता बनाया, काफ़ी सारे लोग हो जाते हैं ना नाश्ते के लिए भी, तो साले और इसकी कज़न जो है ना ये सारा घर साफ करेंगी। वेदर आपको अगर दिखाएं तो ये देखें अभी भी वेदर बादल जो है ना वो छाए हुए हैं और बच्चियां जो है ना ये सारी सफाई कर रही हैं। बच्चियों ने देखें सारे घर मुकम्मल साफ हो चुका है माशाल्लाह से, हर तरफ से सारे घर की सफाइयाँ हो गई। मैं यहाँ सोई हुई थी तो मेरा बिस्तर वैसे ही फैला हुआ है और यहाँ हमारे जेठ का बेटा सोया हुआ है और यहाँ जो है साले स्टडी कर रही है। मम्मी आज ही साफ किया है पूरा, चलो अभी खुद मैंने कहा खुद पहला ही खुद साफ कर, मुझसे कुछ नहीं हो रहा। और मैं यहाँ बना रही हूँ दाल और टाइम जो है ना आज मेरी घड़ी टूट गई है, टाइम क्या हो रहा है सारे सच में, हाँ घड़ी टूट गई है मेरी, टाइम है 11:05 हो रहे हैं और 12 बजे मैंने पढ़ाने जाना है, दाल रखने दे चूल्हे के ऊपर। किचन की एक दफ़ा मुकम्मल सफाई बच्चियों ने कर ली है लेकिन अब दोबारा से किचन जो है ना वो फैल चुका है। दाल मैं बना रही हूँ, बस ये देखिए ये नीचे ना पहले पानी गिरा जिसमें नमक मिर्ची होती तो वो चूल्हा ख़राब कर गया, तो यहाँ जो है तड़का और दाल हमारी बॉयल हो चुकी है, बीच में नमक मिर्चें हल्दी मुकम्मल मसालेदार शामिल करके मैंने खड़ा कर दिया। तो ये देखें ये हमारा तड़का जो है वो लग चुका है, हर कमरे की मुकम्मल सफाई हो चुकी है, बच्चों के कमरे की, अंदर वाले कमरे की और इधर से मेरे रूम की, किचन की सारा साफ हो चुका है। ड्राइंग रूम भी ये देखें बिल्कुल ही नीट एंड क्लीन हो चुका है, मेरा रूम भी क्लीन हो चुका है और मैं कर रही हूँ जिस जाने की तैयारी, जा रहे हैं अपने काम की तरफ। Thank you.
बारिश ने बहुत ही ज़्यादा जल थल किया हुआ था हर तरफ, तो आज आपको रोड के विजिट भी करवाएंगे, कहाँ कहाँ कितना कितना पानी खड़ा है, हमारे साथ ही रहिएगा। माशाल्लाह जी, आज तो हमारे लैया में खूबसूरत सा फवारा जो है ना वो चल रहा है, ये देखें जबरदस्त मंजर पेश कर रहा है ये। और बेलचो की डेटिंग पेंटिंग भी अपने अरूज पर पहुंचने ही वाली है, जल्द आपको बेलचो भी दिखाएंगे जो कि बहुत ही खूबसूरत अंदाज में तामीर हो रहा है। हाउसिंग कॉलोनी का मेन चौक आपको विजिट करवाएं तो यहाँ बहुत ज़्यादा पानी खड़ा हुआ है, लोगों का गुजर बसर बहुत मुश्किल हो रहा है, और बिल्कुल मेन मार्केट है ये, देखिए थोड़ा सा आपको विजिट करवाती हूँ, ये फिर आमने सामने सारी शॉप्स हैं और यहाँ बहुत ज़्यादा पानी है ना, तो यहाँ देखें यहाँ वेदर अभी भी ऐसे लग रहा है जैसे काली खटाएँ बरसाने वाला है, और बहुत ही ज़्यादा गलियों का बुरा हाल हुआ है, यहाँ से गुजरना मुश्किल हो जाता है, मेन मार्केट है उन पार्किंग के दरमियान में पानी का, तो ये देखें इतना पानी है कि पैदल चलना मुश्किल था, थोड़े से इसके लिए मुझे रिक्शा करना पड़ रहा था, कहीं कहीं के जो ऊँची जगह हैं वेदर चेक करवा लिया जाए आपके घर से है? तो यहाँ आप वेदर चेक करवाते हैं वेदर कैसा हो रहा है। माँ क्या कर रहे हो? ये देखिए जी वेदर, ये हवा चल रही है और हमारा रिक्शे वाला भी आ चुका है, तो हम जा रहे हैं जी घर। हमारे घर जैसा कि आपको मालूम है गेस्ट हैं और हस्बैंड साहब की जो है वो तबीयत ख़राब है, मुझे अकेले ही आज जाना है ग्रॉसरी करने। वैसे तो मैंने सालिया को कहा था कि मैं आपको ले चलूँगी और इकट्ठे मिलकर ग्रॉसरी करेंगे, काफ़ी चीज़ों की जो है ना वो मुझे समझ नहीं होती तो बेटी को पता होता है। सो अब हम चल रहे हैं जी अपने सुपर स्टोर जो कि है जी मार्ट वहाँ, और वेदर देखें आप एकदम से काली घटाएँ पूरे आसमान पर छाई हुई हैं, एक दिल कर रहा है घर चली जाऊँ, लेकिन राशन जो है वो बिल्कुल ही फाइनल अपने उस पर इख्तिताम को पहुँच चुके हैं, ज़्यादा पैसे तो है नहीं लेकिन जितने भी पैसे हैं आज जो है ना हम कुछ ग्रॉसरी कर लेंगे और हो सके तो आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन सौ बातों बातों में पता ही नहीं लगा, और हमारी जो ना वो जी मार्ट की शॉप आ चुकी है और हम चलते हैं जी अपने अंदर और जाकर जो है ना जो चीज़ें हमारी ज़रूरत की है वो ख़रीद लेते हैं। अभी मुकम्मल मंथ का जो राशन है वो नहीं आ रहा है, ये देखें जी मैंने सारी ग्रॉसरी कर ली है, ये मेरी टोकरी है और बिल भी बन चुका है और मैंने बिल पे कर लिया, और ये देखें टोकरी आ रही है और सारा सामान जो है ना वो रिक्शे पर ये भाई रख देंगे, इनको मैंने कहा कि मैं आज अकेली हूँ आप मुझे सारा सामान रख दें, हमेशा हम इधर ही आते हैं, वो लोग भी जानते हैं और वीडियो भी बनती है इनकी परमिशन से ही होती है, तो यहाँ हम मुकम्मल जो है ना सामान रख कर अब हम घर की तरफ जो है ना वो रवाना हो चुके हैं। शाम का टाइम है, मगरिब की अजानें हो चुकी हैं, घर पहुँचते पहुँचते यहाँ हम तीनों माँ बेटियाँ जो है ना सारे राशन की सेटिंग कर रहे हैं और तूबा ऊपर चढ़ी हुई है, मुकम्मल सामान जो है ना वो हमारा सेट हो रहा है, क्योंकि मेरी आदत है फ़ौरन आते ही सेट करती हूँ, एक अंडा जो है ना वो टूट गया था तो बाकी सामान सारा जो है ना ये देखें ये सेट हो चुका है, मैं यहाँ आपको पहले विजिट भी करवाती जाऊँ, ये देखें जी ज़बरदस्त है, तूबा ने सारी सेटिंग कर दी है राशन की। तो अपने सासू माँ को हमने जो है ना वो ईद का ड्रेस नहीं दिया था जो कि मैं लेकर आई हूँ, अपने एक स्टूडेंट हैं उनकी रेफरेंस से मतलब साथ ना खुला हुआ है, उन्होंने ये बुटीक जिसे कहते हैं ना ये खोला हुआ है, तो ये देखें ये सूट पसंद किया, कहती थी गला बना हुआ ना हो तो इस तरह दुपट्टे का सबसे बड़ा प्रिंट है, फिर है जी कमीज़ का फिर है शलवार का, मैंने अपनी सास को वहाँ पिक भेजी थी, उन्होंने मैंने उनको कहा था कि सेलेक्ट करें, मुझे तो ये बहुत अच्छा लग रहा है, ये वीडियो भी आपके साथ चलाती हूँ। ये शलवार है ठीक है, एक कमीज़ है डुटे वे, ये शलवार ही में प्रिंट है ये वाला ना अक्सर अगर आदन तो मैं वापस कितिया नहीं तो नहीं तो वाल ये सूट है आखो हमने को पूछो पसंद भी आई था कोई भी आके नहीं पिया बे सारे शफून वाले दुपट्टे।
मैंने ना वहीं बैठकर ये वीडियो बनाकर इनको पहले पसंद करवाया, उसके बाद जो ना सिलेक्ट करके ले आई हूँ। शुएब भाई ने इनको देना है जमीन शेक हमने ना का, क्योंकि बनाना जो है ना वो चीज़ ऐसी है जो ख़राब हो जाता है। यहाँ हम बना लेते हैं पहले मिल्क शेक, बस स्किप करें। अरे हमको पढ़ाया इब्राहिम को, इब्राहिम अच्छा ऑनलाइन हमारी क्लास के साथ साथ चल रही थी जो कि सालिया ने पढ़ाई। मम्मा बर्फ निकालो, तो यहाँ मैं शेक के लिए मिल्क शेक। मम्मा उन्ना क्या हुआ उन्ना मुझे बताओ। तू तो हट वन है। ओहो हानी अच्छा उन्ना मैं आपको सही तरह लगाऊं? नहीं बस सही तरह लगाओ। सारे रुको मेरे वो तू मेरी वीडियो बना डांट ले गाइस। अरे नहीं नहीं अब ना मैं ये खेल रहा हूं वीडियो ना मैं बात करता हूं। बर्फ हम लेते हैं जी पीस। ओ सालिया निकाल लेना है ना? सही है रिवर्स आप मिली दुआ भी करना। दुआ के साथ दवा ज्यादा जरूरी होती है फिर जाकर। दवा क्या होती है? दवा होती है मेहनत। हाँ तो करती तुम। शुएब को दे लेते हैं जी जूस। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। अपना रखिएगा ख्याल, हमें रखिएगा दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।